हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी मंत्रा विद कुमकुम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो फाउंडेशन है वो कंसीलर है, दोनों को मैं आपको अपनी एक ही वीडियो में अप्लाई करना बताऊंगी, वो भी बिना किसी ब्लेंडर या फिर ब्रश के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए, आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि काफ़ी लोगों को जो फाउंडेशन है वो उनके फेस पर उसकी लाइनें अलग ही शो होती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स वो फाउंडेशन को अपनी स्किन टोन से मैच करके परचेस नहीं करते हैं, वो या फिर अपने स्किन टोन से ज़्यादा लाइट फाउंडेशन परचेस करते हैं या फिर अपनी स्किन टोन से ज़्यादा डार्क फाउंडेशन परचेस करते हैं। पर फ्रेंड्स, हमको फाउंडेशन जो है वो अपनी स्किन टोन से मैच करके ही लेना चाहिए, जिससे कि वो हमारे फेस पर काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और काफ़ी देखने में अच्छा भी लगेगा। कुछ लोगों का फाउंडेशन है वो अलग ही फेस पर उभर कर आता है और अलग ही हाईलाइट होता है कि हाँ, हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है, क्योंकि वो फाउंडेशन को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि फेस पे फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो भी किसी बिना ब्लेंडर के या फिर बिना किसी ब्रश के। तो जो फाउंडेशन है उसके जो फाउंडेशन है उसकी काफ़ी लाइनें बन जाती हैं जब हम उसे अच्छे से अप्लाई नहीं करते हैं, और वो काफ़ी देखने में ऑड लगता है, काफ़ी केकी लगता है देखने में। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फाउंडेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और उसे अच्छे से अप्लाई करना है, तो क्योंकि हमारा पूरा मेकअप उसी से उभर कर आता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फाउंडेशन को 3 स्टेप में अप्लाई करना, फेस पे प्राइमर लगाना होगा। प्राइमर लगाने के बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके घर में हो फेस पे लगाने के लिए, उसे लगाइए। फिर उसके बाद हमें फाउंडेशन को अप्लाई करना है। तो ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमें दो चीज़ें और अप्लाई करनी पड़ती हैं अपने फेस में, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है और जो हमारा मेकअप है वो हमारी स्किन से चिपका रहे हम और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो चले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है कि पहले हमें प्राइमर लगाना होगा। मार्केट में काफ़ी सारे प्राइमर्स मिलते हैं, पर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट जो प्राइमर है जो हमारे घर पर अवेलेबल होता है वो है एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास ये एलोवेरा जेल है। तो एलोवेरा जेल को लेके थोड़ा सा अपने हाथ पे, एलोवेरा जेल को हम एज अ प्राइमर यूज़ करेंगे। तो एलोवेरा जेल को थोड़ा सा अपने हैंड पे ले लीजिए और उसे हैंड पे लेने के बाद अपने फेस पे आपको अप्लाई करना है। ये मैंने इसे ले लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। एलोवेरा जेल को एज अ कंसीलर हम इसे यूज़ करेंगे। कर लिया है। अब एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई भी मॉइस्चराइज़र है वो आपको लगाना है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लीजिए और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो मैं इधर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अपने फेस पे। ये मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इधर ले लिया है और इसे ज़्यादा नहीं लगाना है फ्रेंड्स, थोड़ा ही लगाना है। फाउंडेशन लगाना, तो चलिए फ्रेंड्स हम फाउंडेशन लगाने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मार्केट में काफ़ी टाइप के जो फाउंडेशन है वो अवेलेबल होंगे, तो आप जिसका चाहें उसका फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि जो मेबीलेन का फाउंडेशन है वो आपको एफोर्डेबल रेट्स में कम पैसों में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा भी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि जो फाउंडेशन है वो हम चेक कैसे करें। तो फाउंडेशन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी फाउंडेशन आपको लेना है वो आपको चेक करना होगा कि आपकी स्किन टोन से वो मैच कर रहा है या फिर नहीं। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि उस फाउंडेशन को थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लेना है और इस तरीके से, ये मैंने फाउंडेशन लिया है,
और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फाउंडेशन आपको इधर से इधर तक अप्लाई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है या फिर नहीं। कुछ इस तरीके से ये इधर से इधर तक लाइन करनी है अपने फेस पे, जैसे मैंने की है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो आपकी स्किन से ज़्यादा लाइट है तो आपको उसको परचेस नहीं करना है, या फिर ज़्यादा डार्क है तब भी आपको परचेस नहीं करना है। अगर वो आपकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा है तभी आप उसे परचेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन को हम थोड़ा सा अपने हैंड पर ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने इधर ये फाउंडेशन ले लिया है। अब इसे आपको डॉट 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 करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस तरीके से सारे डॉट्स को अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। और ये आपको अपने नेक पर भी लगाना है। अपनी नेक पर लगाना ना भूलें किसी भी चीज़ को। अब इसे इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। हमारा फाउंडेशन कितनी अच्छी तरीके से हमारे फेस पे अप्लाई हो चुका है और कोई भी लाइंस इसकी अलग से शो नहीं हो रही हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अप्लाई हुआ है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि हमारा जो फाउंडेशन है हमारी स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा है या फिर हमने अच्छे से अप्लाई नहीं किया। ये देखिए कितना अच्छे से ये लगा हुआ है, वो भी बिना किसी ब्लेंडर के और बिना किसी ब्रश के। तो फ्रेंड्स, अब हमने फाउंडेशन तो लगा लिया, अब हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या है, कंसीलर को अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कंसीलर को सही तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए, मेरे पास इधर फ्रेंड्स ये मेबिलिन का कंसीलर है, ये देखिए, जो कि काफ़ी कम रेट्स में मिल जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कंसीलर को अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। इसके लिए आपको क्या करना है कि कंसीलर को आपको इधर अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई करना है। ज़्यादा अप्लाई ना करें, इस तरीके से अप्लाई करना है आपको। थोड़ा सा आपको इधर अपनी नेक पे अप्लाई करना है और थोड़ा इधर अप्लाई करना है। अब आपको इसे इस तरीके से टैप टैप कर करके अपनी स्किन में अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंसीलर भी कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई हुआ है, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो रहा है अलग से। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से अप्लाई हुआ है, वो भी बिना किसी ब्रश के और बिना किसी ब्लेंडर के। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से अप्लाई हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल ब्यूटी मंत्रा विद कुमकुम को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।